चीन के बीच लद्दाख सीमा पर हुई हिंसक झड़प पर बोलते हुए ब्रिटिश उच्चायोग ने कहा है कि इस तरह की चीजें डराने वाली हैं। ब्रिटिश उच्चायोग के प्रवक्ता ने कहा, हम भारत और चीन को सीमा से जुड़े मुद्दों पर बातचीत से हल निकालने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हिंसा किसी के हित में नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों, सेना, नौसेना, वायुसेना और रक्षा कर्मचारियों के प्रमुखों के साथ एक बैठक की है। उन्होंने मौजूदा स्थिति पर भी विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की। लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों में चीनी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल है, जो सैनिक फेस ऑफ का हिस्सा थे। उन्होंने चीनी हताहतों की संख्या के बारे में बताया, यद्यपि मारे गए और घायल दोनों हताहतों की सही संख्या बताना मुश्किल है। संख्या 40 से अधिक होने का अनुमान है। इसका आकलन हिंसक झड़प वाली जगह से निकाले गए चीनी सैनिकों की संख्या और उसके बाद गलवान नदी के किनारे ट्रैक पर एम्बुलेंस वाहनों की संख्या पर आधारित है। इसके साथ ही उस इलाके में चीनी हेलीकॉप्टरों की आवाजाही भी तेज हुई है। 15-16 जून की रात को हुई हिंसक झड़प में चीन को भारी संख्या में हताहतों की संख्या का सामना करना पड़ा है। सोमवार शाम चीनी सैनिकों के साथ लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद फिलहाल 4 भारतीय सैनिकों की हालत गंभीर है। भारत और चीन की सेनाओं के बीच जारी तनाव पर अमेरिका ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमेरिका ने कहा है कि वह लद्दाख सीमा पर जारी तनाव की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने कल एक बयान जारी कर बताया था कि गलवान घाटी के पास 20 जवान शहीद हुए, हम उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि भारत और चीन दोनों ने डीएस्केलेट करने की इच्छा व्यक्त की है और हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि 2 जून को अपनी टेलीफोनिक बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा पर स्थिति पर चर्चा की थी। इस बीच अमेरिका मीडिया के अनुसार चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने भारतीय सेना के जवानों के साथ आमने सामने की लड़ाई में उलझकर भारतीय को उकसाया है। 15 जून की देर शाम और रात को हुई हिंसक झड़प चीनी सैनिकों द्वारा डी एस्केलेशन के दौरान यथास्थिति को एक तरफा बदलने के प्रयास का एक नतीजा था। वॉशिंगटन एग्जामिनर में एक ओपिनियन पीस में लिखा गया है कि चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए।